नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की। एक बार फिर तबीयत खराब हो गई है। जी हां, उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें तड़के 3 बजे भर्ती कराया गया था, घर वाले साथ में मौजूद हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत अभी स्थिर है, लेकिन कुछ 24 घंटे जो हैं वो काफ़ी अहम है आजम खान के लिए। कुछ भी हो सकता है, डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य पर निगाह बनाए हुए है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि आजम खान को गंगाराम अस्पताल के सर्जरी विभाग में भर्ती करवाया गया था। आपको बता दें कि पिछले साल भी दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें गंगाराम में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, यानी कि ये है उनका दूसरा दौरा है। यानी कि हार्ट अटैक जो हुआ था वो पहले भी हुआ था और इस साल भी हुआ है। उनके हार्ट अटैक का ऑपरेशन हुआ था जिसमें स्टंट डाला गया था। कोरोना काल में भी आजम खान की तबीयत काफी खराब हुई थी। लंबे समय तक लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चला था। आपको बता दें कि हेट स्पीच मामले में कोर्ट की तरफ से 3 साल की सजा मिलने के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता भी चली गई थी। आजम खान ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर की मिलक विधानसभा में एक भाषण के दौरान आजम खान ने भड़काऊ टिप्पणियां की थी। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने इसकी शिकायत की थी। इस मामले में पिछले साल 27 अक्टूबर को रामपुर की अदालत ने आजम खान को सजा सुनाई थी।